हेलो एवरीवन, वेलकम टू KMC काना मैथ कोचिंग। टुडे आई वांट टू टेल अबाउट प्राइम और कंपोजिट नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आर होल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैव ओनली वन फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तभी इन्होंने क्या कहा है? ग्रेटर देन वन। प्राइम नंबर्स होल नंबर्स होते हैं जो वन से ज़्यादा होते हैं, दैट हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, वन और वन नंबर खुद होगा। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है और वो नंबर खुद होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है और एक नंबर खुद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेवन है। ठीक है, सेवन के फैक्टर बताओ। फैक्टर ऑफ सेवन, सेवन के फैक्टर बता सकते हैं? वन होता है, वन की टेबल, टू की टेबल में भी नहीं आता, थ्री में भी नहीं आता, फोर में भी नहीं आता, फाइव में भी नहीं, सिक्स में भी नहीं, सेवन में आता है। इट मीन्स वन और सेवन, वन हो गया और वो नंबर खुद हो गया, तो सेवन इज़ ए प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल नाइन, फैक्टर ऑफ नाइन, क्या आप कह सकते हैं कि नाइन एक प्राइम नंबर है? वन की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में और नाइन की टेबल में, तो आप कह सकते हैं कि नाइन एक प्राइम नंबर है? नो, नाइन इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, नाइन इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो नाइन एक प्राइम नंबर नहीं होगा, सेवन इज़ प्राइम नंबर। फैक्टर ऑफ फाइव, वन और फाइव की टेबल में, वन और वो नंबर खुद होगा, तो मैंने क्या बताया था, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो जो जिनका फैक्टर जो होता है वो वन और वो नंबर खुद होगा, इट मीन्स जो अपने आप की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। इसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास फैक्टर्स कौन से होते हैं? वन और वो नंबर खुद होता है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। वन तो होगा ही होगा, वन और वो नंबर खुद, मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक करवाया था फैक्टर्स और मल्टीपल, तो मैंने बताया था कि जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर निकालते हैं तो वो नंबर खुद और वन तो फैक्टर होता ही होता है हर किसी का, तो कंपोजिट नंबर में भी वन और वो नंबर खुद तो होगा लेकिन और भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्टर ऑफ ट्वेल्व, ट्वेल्व के फैक्टर निकालते हैं, वन की टेबल में भी, टू की टेबल में भी, थ्री की टेबल में भी आता है, फोर में भी आता है और सिक्स में भी आता है और ट्वेल्व खुद की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? फैक्टर्स, वन और वो नंबर खुद भी है और बाकी सब भी हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स में सिर्फ वो वन और वो नंबर खुद होता है। तो कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? जिसके फैक्टर वन और वो नंबर खुद होगा, उसके अलावा और भी होंगे, और प्राइम नंबर वो होंगे जिसका सिर्फ फैक्टर वन और वो नंबर खुद होता है, जिसके सिर्फ टू ही फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, और जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो वही कि प्राइम नंबर के लिए हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं। प्राइम नंबर के लिए हमारे पास एग्जांपल 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और कंपोजिट नंबर के लिए हमारे पास एग्जांपल जैसे 14 है, 15 है, 15 भी थ्री की टेबल में भी आता है, तो 15 ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 16 है, 18 है, तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट मी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।